नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मैं विशाखा शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल में। आइए देखते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरें। पीलीभीत के पूरनपुर में आई बाढ़, शारदा नहर में इतना पानी आ गया कि लोगों के घरों में 8-10 फुट पानी भर गया है। नेकी की दीवार के लोगों ने काफी मदद की। नेकी की दीवार ने सुबह मोर्चा संभाला और लोगों की काफी मदद की। हाथी गोला नदी के बीच फंसा हुआ। वन विभाग की टीम से अनुरोध है कि इस हाथी को कैसे भी बचाया जाए। जय हिंद साथियों, आप जैसा कि कल का देख पा रहे हैं, हालात बेकाबू हैं। हमारी पूरी टीम रात तक वहां पे रही है। अभी हम वापस फिर पूरनपुर आए हैं और यहाँ से लोगों से आह्वान करके और यहाँ से कपड़ा वगैरह एकत्रित करके फिर पुनः बाढ़ पीड़ित लोगों तक पहुँचेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस तरीके से प्रशासन की लापरवाही के चलते वहाँ पे पूरी रात लोग फंसे रहे हैं, अब वो इस मुसीबत का सामना ना करें। हमें एकजुट होकर हम सभी का सहयोग करना चाहिए। और मैं सब लोगों से आह्वान करता हूँ कि जो भंडारे हमारे शहर में चल रहे हैं, वो लोग शहर में ना चलाकर अगर भंडारा वहाँ पर पीड़ितों तक पहुँचाया जाए तो इससे काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी और वो लोग जो भूख से तड़फ रहे हैं उन तक रोटी मिलेगी। क्योंकि रात भर लोग अपनी छतों पर इसलिए बैठे रहे कि उनको लग रहा था कि पानी घट जाएगा, लेकिन पानी का स्तर रात से काफ़ी बढ़ चुका है। और जो लोग भी पीड़ित हैं, हमारा ये धर्म और कर्तव्य बनता है कि हम लोग उन तक अपनी सुविधाओं को पहुँचाएँ। वहाँ पानी की बहुत समस्या है, अगर हो सके तो नगर पालिका या प्रशासन वहाँ पर पानी का इंतज़ाम करे। वहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत आ रही है, लोगों के पास पीने के लिए अभी पानी नहीं है। तो इस तरीके की छोटी छोटी सी ये जो दिक्कतें आ रही हैं, अगर हम लोग एकजुट होकर इसका मुकाबला करेंगे तो वहाँ काफ़ी राहत पहुँच सकती है। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो शहर या आस पास में मंदिरों पर या कहीं गुरुद्वारों में राशन वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है, आप लोग भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा डालिए। और जितने भी भंडारे शहर में आसपास लोग कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के बेनती करता हूं कि वो भंडारों की रस सामग्री वहां पर लेके पहुंचे। धन्यवाद। भैया यहां पे कितने घर हैं? लगभग 60 घर। 60 घर सब में पानी भर गया। खाने पीने को नाश्ता है क्या? खाने पीने को कुछ है? चलो आ रहे हैं पीछे और बंदे। पीछे आ रहे हैं, ठीक है। अरे यार देखो ना, इधर पूरे का आ रहा। पानी कम नहीं होगा बाबा? लंगर लेके आए ना, तैयार करवा के पहले इतने एसएसबी कैंप लगा के पहले ये बात करते हैं।
अच्छा जी अभी तक नहीं आए दो बंदे भूखे घंटा ही जाना ही नहीं दो बंदे ना वीर दो बंदे बिलकुल आखरी था ट्रैक्टर की छतड़ी के बैठे आ तीन ट्रैक्टर आ दो डुब गए आ एक दे उत्ते बैठे आ नई और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अखंड भारत टीवी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।